आवेदन देना है, किस तरह का आवेदन है और क्या? देखिए, 3 महीने से मैं आवेदन ही दे रही हूँ और मैंने ये तथ्य बताए भी थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना है बडनगर के सिविल हॉस्पिटल में। इसके बारे में पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो कलेक्टर साहब ने खुद ने कार्रवाई करने के बाद उसमें पाया गया है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से बनाए गए, वो करण मोरवाल ने बनाए, लिखित में है मेरे पास में, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है। अब उसको 2 महीने हो गए फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से आवेदन दे रही थी इंदौर में भी, इंदौर के बाद मैं उज्जैन में आई क्योंकि उज्जैन में ही सिविल हॉस्पिटल मतलब जो बडनगर का है वो आता है। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, एसपी को दिया, एडिशनल एसपी को दिया। मुझे टाला क्यों जाता है? क्योंकि वो विधायक साइड से फ़ोन लगा देते हैं ना, तो इस तरीके से ये हरकतें हो रही। अब मुझे एक बात बताइए, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है, 18 पन्नों का पूरा फाइल बना हुआ है जिसमें कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है, उनकी भी जांच मतलब झूठी है क्या? हाई कोर्ट नहीं पहुंचे है, डॉक्टर को निलंबित करने के बाद एफआईआर बनती है। कानून क्या कहता है? आप रजिस्टर करो केस, 420, 468 ऐसी अन्य धाराएं भी लगेगी क्योंकि करण मोरवाल ने ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए वो छोटी मोटी जगह यूज नहीं करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यूज करे। अभी अगर अभी एफआईआर नहीं होती है आज दर्ज, आज इन्होंने मुझे आश्वासन दिया अगर ये 2 दिन में एफआईआर नहीं होती है सीएम हाउस के बाहर जाऊंगी, सुसाइड करूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ। एक लड़की एक मर्यादा तक सहती है, किस किस से लड़ूँ मैं? अगर पुलिस प्रशासन विधायक को बचा रहा है, आरोपी को बचा रहा है। कोई धमकी आपको मिल रही है? वो तो सारी नोन है भैया, जितनी भी धमकियां मुझे मिली है इन लोगों ने अटैक्स करवाया। अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को विधायक जी खुद आए एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक वो लेके कि सेटल कर लो, ले दे के खत्म कर लो। उस दिन भी विधायक